हमने अपने लास्ट टॉपिक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखा कि हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन। इसी तरह अब हम प्रेशर इन लिक्विड्स को पढ़ने जा रहे हैं कि लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर एक प्रेशर सेंसर लिया जाए और देन उसे वाटर में डिप किया जाए तो हम ये सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ सेंसर। आइए प्रेशर इन द लिक्विड की हम डेरिवेशन करते हैं कि हाउ टू फाइंड द प्रेशर इन लिक्विड्स। आपने प्रेशर इन द लिक्विड के लिए कंटेनर लेना है जिसके अंदर एक सरफेस एरिया ए है, उसकी हाइट एच है और उसके ऊपर प्रेशर पी लग रहा है। यू नो कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यानी कि जो आपके पास मास होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। आपको ये पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, यानी कि रो इज इक्वल रो इंटू ए क्रॉस एच। अच्छा, आपके पास जो फोर्स है वो इक्वल टू वेट है जो कि हमारे पास एम जी के इक्वल होता है। अगर मैं इसके अंदर m की वैल्यू पुट इन कर दूं, यानी कि f इज इक्वल टू रो a इंटू एच इंटू जी, तो हमारे पास रो a h और g फोर्स के इक्वल आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल है। और जब मैं इसके अंदर फोर्स की वैल्यू पुट इन करूंगा, इसके साथ मैं स्मॉल एल लिख रहा हूँ जो कि प्रेशर इन लिक्विड को शो कर रहा है, रो ए एच जी ओवर ए। यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास मेरी फाइनल टर्म प्रेशर इन लिक्विड रो एच एंड जी के इक्वल आ जाएगी। तो यूं आपने इस फार्मूला लिक्विड प्रेशर को फाइंड कर लेना है। अब इसके बाद है पास्कल्स लॉ, एंड पास्कल लॉ स्टेटेड दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid। और आपकी बुक फिगर 7.14 में पास्कल लॉ को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में समझाया है कि एक ग्लास वेसल में जिसमें कुछ होल्स हों पानी से फिल करने और उसके ऊपर जो पिस्टन है उसे पुश करें, देन वो वाटर हर होल में से सेम प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, जो कि एक गुड एग्जाम्पल है कि हाउ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन। वेल जनरली ये लिक्विड और गैसेस दोनों पर एप्लीकेबल है और इसको हम समझते हैं हाइड्रोलिक प्रेस से, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की। आए इसको देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है कि एक हमारे पास बड़ा सिलेंडर है जिसके ऊपर एक पिस्टन है जो कि लार्जर है इस वाले से। हम इसके ऊपर F1 लगा रहे हैं और इसके ऊपर हमारे पास F2 लग रही है। अगर मैं इस पार्ट को देखूँ जो स्मॉलर पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस है, तो मेरे पास जो प्रेशर होगा वो इक्वल टू F1 ओवर ए होगा क्योंकि इसका एरिया स्मॉल ए है। और अगर इसको देखूं तो मेरे पास प्रेशर बड़े वाले पार्ट को, तो मेरे पास F2 ओवर कैपिटल ए होगा। और आपको ये बात पता है कि जो पास्कल लॉ है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ मेरे पास ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल होंगे, यानी कि F1 ए इज इक्वल टू F2 ओवर ए। अगर मैं यहाँ से F2 निकालना चाहूँ तो ये A इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 इज इक्वल टू A इंटू F1 ओवर स्मॉल a। अब इसमें ये जो A ओवर A है विच शोज़ कि जो बड़ा एरिया है वो लार्जर है। और आपको एक बात पता है कि न्यूमरेटर अगर लार्जर हो एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर तो हमारे पास ये पूरी टर्म ग्रेटर दैन 1 होगी। जब ये ग्रेटर दैन 1 होगी तो इट मीन्स F2 लार्जर होगी F1 से। तो इस तरह हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई होती है। अगर हम स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं तो हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई होती है इन द केस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। ऑलमोस्ट हाइड्रोलिक प्रेस ही की तरह सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है ब्रेकिंग सिस्टम इन द व्हीकल्स पे। बुक फिगर 7.17 में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जब आप ब्रेक पैडल को पुश करते हैं तो वो मास्टर सिलेंडर पर फोर्स अप्लाई करता है जो कि लिक्विड प्रेशर इन द पाइप को इंक्रीज कर देता है और फिर पाइप में लिक्विड इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है टू ऑल द पिस्टन्स ऑफ द सिलेंडर पर। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द लिक्विड प्रेशर जो पिस्टन होता है ना वो आउटवर्ड मूव करता है और ब्रेक ड्रम्स के जरिए ब्रेक पैड्स को प्रेस करता है, और फिर जो ब्रेक ड्रम्स और ब्रेक पैड्स के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो मेन कॉज बनती है व्हील्स को स्टॉप कराने का। और यूँ हम पास्कल लॉ की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को डेली यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ब्रेक्स। आई होप आपको इन दोनों एप्लीकेशंस के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पास्कल लॉ समझ आ गया होगा जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।